कोटा में कोरोना संक्रमण कई इलाकों में फैल चुका है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि केथुनी पोल इलाके में लाल बुर्ज के पास राशन की गाड़ियां खड़ी कर यहीं से इलाके में राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही है। ऐसे में हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने जायजा लिया। A1 TV की टीम पहुंची है आज उन महाकर्फ्यू इलाकों में जहां पर लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद है। चप्पे चप्पे पे यहां पर पुलिस तैनात है और चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात होने के बाद में साफ तौर पे देख सकते हो किस तरह से बैरिकेडिंग के माध्यम से यहां पर लोगों को दूर रखा गया है और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें चाहे लोगों का घरों में आने जाने की बात करें सब पर यहाँ पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। अगर यहाँ पर सड़कों पर अगर कुछ लोग दिखेंगे तो पुलिस के वो जाबाज सिपाही दिखेंगे या जो राहत सामग्री जो इन कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में बांटी जा रही है वो सामने की तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो राशन सामग्री वितरित करने आए हैं पहले वो अपने हाथों को सैनिटाइजेशन कर रहे हैं फिर ग्लव्स पहन रहे हैं। ग्लव्स पहनने के बाद में जिस तरह से आप देखिए सामने की तस्वीरें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ पर कराई जा रही है। लोगों को एहतियात के तौर पर साफ तौर पर कहा गया है कि भीड़ ना लगाएं, राशन सामग्री सभी को उपलब्ध कराई जाएगी परंतु कहीं ना कहीं लॉकडाउन की पालना को भी ध्यान में रखा जाएगा और लॉकडाउन की पालना को ध्यान में रखते ही इन राहत सामग्री इन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। सामने जिस तरह से जो लोग हैं चिकित्सा कर्मी भी यहाँ पर लगा रखे हैं अब शिक्षक भी इस कोरोना योद्धा के रूप में निकलकर सामने आए। शिक्षकों को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। शिक्षकों की जिम्मेदारी यह है कि उन कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में वो भोजन सामग्री पहुंचाई जाए जहां पर इन लोगों को आवश्यकता है मगर शिक्षक भी इस चीज की पूरी पालना करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना के प्रकोप से बचा जाए और कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जाए। लगातार कोटा में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जिला प्रशासन के लिए ये बड़ी बेहद और दुखद खबर है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज A1 के लिए कोटा से।